अनुसूचित जाति के हक अधिकारों के लिए सर्व अनुसूचित जाति समाज छत्तीसगढ़ के बैनर तले बॉडी गठन की तैयारी को लेकर पत्रकार वार्ता हुई। सर्व समाज के बैनर तले अनुसूचित जाति के हक अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाने बनाए गए संगठन को लेकर समाज के प्रमुखों ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर संगठन की गतिविधियों के बारे में बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पश्चात अनुसूचित जातियों की दशा और दिशा को सुधारा जा सके, साथ ही अनुसूचित जातियों में वर्ष 2016 के पश्चात शामिल जातियों के संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो, इसके साथ ही जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिले, इसकी मांग की जाएगी। इसके साथ ही आगामी 8 अक्टूबर को दुर्ग में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय एवं जिला स्तरीय शपथ ग्रहण समारोह रखा गया, जिसमें प्रदेश के साथ हर जिले के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। इस दौरान पत्रकार वार्ता में प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता डॉ. अरविंद चौधरी, प्रदेश महासचिव लंगूर सोनी, प्रदेश सचिव अनिल जोग, प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बोरकर सहित अन्य शामिल थे। इस संबंध में समाज के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सर्व अनुसूचित जाति का समाज का जो गठन किया गया है, इसका मेन उद्देश्य है कि जो अनुसूचित जाति के तबका है, जिसमें 44 जाति या समथिंग आ रही है, उसमें गवर्नमेंट हमारी बात को नहीं सुन रहा है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ रही है जिसमें पूरी संगठन, एक मजबूत संगठन तैयार किया जा रहा है। पहले क्या था कि एक समथिंग कोई भी जाति, जैसे बौद्ध समाज की जाति हो या घसिया समाज की हो या सतनामी समाज की हो, अकेले अकेले मिलकर आंदोलन करते थे, जिससे उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इसलिए सभी लोगों ने सर्व समाज अनुसूचित जाति का करके एक छत्तीसगढ़ में बड़ा संगठन तैयार किए हैं। इसकी शुरुआत तीन सितंबर को हुआ है। अभी हमारा प्रोग्रेस चलते चलते यहाँ तक पहुँचा है। आने वाले समय में भी बड़े स्तर में इसका गठन किया जाएगा। अभी प्रदेश स्तर का गठन हुआ है, जिला स्तर का गठन आने वाले समय में 8 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह है उस समय किया जाएगा। संगठन की जो तैयारी है सर्व अनुसूचित जाति समाज छत्तीसगढ़ के द्वारा, बहुत सारे बिंदुओं पर अनुसूचित जाति समाज को लाभ नहीं मिल पा रहा था, और लाभ नहीं मिलने के कारण जो है सब टुकड़ों में जो है ना आयो दिन धरना प्रदर्शन ये सब हम लोग करते हुए आ रहे थे। अब 44 जाति के अलावा 5 जाति जो है 2016 को शामिल किया गया था, उसकी अनुपात छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अभी तक के जो है उस जनसंख्या को अनुसूचित जाति में नहीं जोड़ा है। और जिस तरीके से हमको 12% देने की जो बात सरकार कर रही है, तो हमारे अनुपात जनसंख्या के आधार पर जो है 18-20% के लगभग हमारी आरक्षण होना चाहिए। हम जो जनसंख्या की जो बात कर रहे हैं, अभी तक के मैं आपको पहले बता चुका हूं कि राज्य सरकार के द्वारा 12% जो है ना दिया जा रहा था, लेकिन 5 ऐसे समुदाय है, शहीद, सारथी, तनवार, 5 जाति जो है उसमें शामिल किया गया है, वो ओबीसी जाति में थे, अभी वर्तमान में जो है ना अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। 8 तारीख के सम्मेलन में हमारी शपथ ग्रहण होगी, और शपथ ग्रहण में जो है जो समाज के उद्देश्य को जो है पूरे 44 जाति के समाज के समक्ष हम जो है आह्वान करेंगे, और उनकी जो तकलीफियां हैं, चाहे शिक्षा से हो, रोजगार से हो, चिकित्सा से हो, तमाम बहुत सारी ऐसी विडम्बना है सरकार के द्वारा जो नहीं किया जा रहा है, उसको हम जो है सरकार के समक्ष ये बात को रखेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।